अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आयशा कौसर एंड आई एम लेक्चरर एट फेडरल साइंस कॉलेज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.8। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ 2.8? क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अच्छा, इसमें टू डिजिट्स की बात हो रही है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जब नंबर टू डिजिट्स हैं, लेट सपोज़ कि मेरे पास एक नंबर है 23, दीज आर टू डिजिट्स नंबर। अगर मैं इसमें एक डिजिट और बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट्स नंबर। ठीक है, फिर आपको पता है जब नंबर टू डिजिट या थ्री डिजिट या फोर डिजिट, जितने भी डिजिट नंबर चलता जाता है, उनकी एक ख़ास प्लेसेस होती हैं, जो कि आपने अर्लियर बिल्कुल बेसिक क्लासेस में आपने इसको लर्न किया हुआ है। प्लेसेस कौन सी होती हैं, यूनिट, 10, 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, आगे कंटिन्यू चलता रहता है। जब टू डिजिट की बात है, इट मींस कि वी आर बाउंड कि ये अगर हमारे पास है 23 तो ये टू डिजिट नंबर है, इसकी यूनिट्स और टेंस फेस। हमेशा आप राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, एक और बात कि जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है वो हमेशा 10 का मल्टीपल होता है और यूनिट प्लेस का नंबर 1 का मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमें इसको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये 3 + 20, क्योंकि 2 × 10 = 20, इसलिए इसको टेंस प्लेस कहा जाता है। ठीक है, ये 10 का मल्टीपल होता है। 20 + 3, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, अगर ये 231 है तो ये हमेशा 100 का मल्टीपल होगा, 2 है तो इसे क्या लिखा जाएगा, 200 + 30, 3 × 10 = 30, उसके बाद यूनिट प्लेस पे है 1 तो वो रहेगा 1, क्योंकि वो 1 का मल्टीपल है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास टू डिजिट नंबर एक 34 लिखा हुआ है, क्लियर हुआ, तो इसका यूनिट प्लेस 4 है, टेंस प्लेस 3 है, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, 30 + 4, क्योंकि ये जो 3 है ये 10 का मल्टीपल है, ये टेंस प्लेस पे है, इसलिए ये 10 का मल्टीपल है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 3 जो है वो टेंस प्लेस पे और 4 जो है वो 1s प्लेस पे, या 4 को सिर्फ 4 × 1 = 4, क्योंकि ये बेसिक इस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और आइडिया देने का मकसद है कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, जब टू डिजिट की बात की गई थी, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि एक टू डिजिट्स में से एक डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा और एक डिजिट यकीनी बात है टेंस प्लेस पे होगा। हमने लेट कर लिया कि वाई जो है वो यूनिट प्लेस पे होगा और एक्स जो है वो टेंस प्लेस पे होगा। तो देखें, 10x, क्योंकि ये टेंस प्लेस में है एक्स, प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, और वाई जो है वो यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये 34 आपको लिख कर बताया था, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे हमारा x है और यूनिट प्लेस में हमारा y है। नंबर आपने जब सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कंडीशन क्या है जो हमें गिवन है। कंडीशन क्या है, हमें सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, दो डिजिट्स कौन से हैं x एंड y, उनके स्क्वेयर्स का सम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एक हमारी कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65, तो एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर क्या है, 65। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हमारे पास एक और भी कंडीशन है, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, द नंबर, ये हमारा नंबर है, ठीक है, द नंबर 10x + y, ठीक है, इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स कौन से हैं, x एंड y, इनके 9 टाइम्स का सम है नंबर, जो कि नंबर हमने बता दिया कि नंबर ये है। क्लियर हो गया, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखा कि आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक लीनियर है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक है, और ये बात आपको बताया, आप हमेशा लीनियर से वैल्यू लेकर क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। लीनियर को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, x इक्वल टू 8y,
आई विल पुट दिस, ये इक्वेशन टू को सॉल्व किया है ना, तो इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं 8y पुट कर दूंगी। तो इक्वेशन वन में क्या बन जाएगा, 8y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, 64y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, वी विल गेट 65y स्क्वायर इक्वल टू 65, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 65, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया 1। टेकिंग स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, यहाँ पे हम लिख देंगे निग्लेक्टिंग नेगेटिव नंबर, क्लियर हो गया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 1, और ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3। हम क्या लिखेंगे, पुट ये जो y इक्वल टू 1 है इसको हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब मैं 3 में पुट करूँगी तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, 8। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या था। ठीक है, नंबर हमने क्या लिया हुआ था, 10x प्लस y, तो अब आप लिखेंगे दस द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर 10, x की जगह क्या पुट करेंगे 8, और 1 y की जगह क्या पुट करेंगे 1, x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 10 8 ज़ा 80 प्लस 1, द नंबर इज 81, क्लियर हो गया, द नंबर इज 81। लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्टेटमेंट रीड करें, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताया जा रहा है कि उसका सम कितना है, 9 है, एंड द सम ऑफ योर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो पॉइंट के एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको आप ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये कोई भी पॉइंट है पी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ठीक है, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट एंड रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर एंड द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम चलते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारे पास, सम लेना है किसका, ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो इट मींस के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, दिस इज़ योर इक्वेशन वन। एक सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 45, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है आप लीनियर को लेकर चलते हैं, वहाँ से आप वाई या एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट करके उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, स्क्वायर वाली इक्वेशन में। ठीक है, और उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन करके आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने देखें x की वैल्यू ले ली इन टर्म्स ऑफ y, तो y यहाँ प्लस हो रहा था, उधर जाकर माइनस हो गया 9 माइनस y। अब इसको हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू ली है, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उससे आपने सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, पुट इन और दूसरे में पुट करना है स्क्वायर वाली में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 2 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 9 माइनस y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। यहाँ पर अब फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला एक्सपेंड करके आपने इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन करनी है, और x की वैल्यूज़ आएंगी उसको आप यहाँ इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएंगी। फिर आपने x और y की वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, इस नंबर में। ठीक है,
दो, हर बार आपके पास x और y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, x y, डिफरेंट x और y की वैल्यूज आएंगी, आप एट द एंड उसको रिजल्ट लिखेंगे। यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। हिंट मैंने आपको दे दिया है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।